नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको पेज मेकर के अंदर चलान कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं एक ईंट भट्टे का, एक ब्रिक्स का चलान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएँ। ये है आपका एक चलान का डिज़ाइन जो ईंट भट्टे का है, जहाँ पे ईंट मिलते हैं ईंटें। तो यहाँ पे देखिए राज ब्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ चलान लिखा हुआ है, पूरा ये जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ नंबर है, चलान लिखा हुआ है, डेट है, उसके बाद नेम है, एड्रेस है, उसके बाद ट्रक नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, प्लस यहाँ पे रिसीवर सिग्नेचर है, प्लस जो जो ईंट भट्टा है उसका जो कंपनी है उसका सिग्नेचर सील यहाँ लगता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मैंने एक चलान डिज़ाइन किया है पेज मेकर के अंदर। और ये जो लाइन दिया है यहाँ से, वो हम लोग जब चलान फाड़ते हैं उसको काटते हैं तो यहाँ से वो फटेगा। एक सिंपल सा ये लाइन को आप बाहर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ और यहाँ पे कुछ नाम वगैरह मैंने चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि जिसका है उसको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं सिंपल सा मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे पेज मेकर 7.0 के अंदर। इस डिज़ाइन को एक बार अच्छी तरह से आप देख लें। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल एक्चुअल साइज़ कर देता हूँ। अब ये जो डिज़ाइन है इसको हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं, जिससे कि मैं आपको दिखाता भी चलूँ और आप इसे देखें भी और साथ में बनाएँ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम होता है हमें पेज मेकर में करना क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें पेज लेना होता है। तो यहाँ पे एडोबी पेज मेकर के अंदर आपको फाइल में जाना होता है, फिर न्यू में क्लिक करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने जो पेज ले रखा है वो लेटर है, आप या लेटर या A4, जिसमें आपको डिज़ाइन तो आपको बनाना होगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट वगैरह किया जाता है, उसको निकाला जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह है, अलग अलग तरीके से किया जाता है सब। तो पहले जो डिज़ाइन तो आपको पेज मेकर में ही करना होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया, पेज साइज लेटर ले रखा है, ओरिएंटेशन टॉल और बाकी एज इट इज़ जैसा है वैसा रहने दें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पेज आता है। लेकिन जब जब भी आप डिज़ाइन वगैरह करने जाएँ तो इस पेज में ना करें, इसको थोड़ा एक्चुअल साइज़ कर लें। तो यहाँ पर रखें माउस पॉइंटर, राइट क्लिक करेंगे, फिर एक्चुअल साइज़ कर देंगे तो इस तरह का पेज उभर कर आ जाएगा। देखिए हर डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो आपका हैंडबिल हो, चाहे चलान हो, कोई भी डिज़ाइन, उसका एक साइज़ होता है, आपको एक साइज़ लेना ही पड़ता है। शायद हो सकता है पेपर अलग अलग टाइप के पेपर्स आते हैं, अलग अलग साइज़ के पेपर आते हैं, लेकिन डिज़ाइन आपको इसके अंदर करना होता है। तो जिस साइज़ का पेपर आता है उस हिसाब से डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है साइज़ लेते हैं एक नॉर्मल सा, तो यहाँ पर स्क्वायर नुमा डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे, जैसे ये वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल सा इस तरह का एक रेक्टेंगल बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब इसका एक साइज़ लेंगे। तो साइज़ के लिए जो कंट्रोल पैलेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर पेज मेकर के अंदर है। अगर ये नहीं है यहाँ पे तो आप ये जो मेनू बार है यहाँ पे विंडो में जाइएगा, जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट दिया हुआ, तो ये बॉक्स इस तरह का पट्टा आपको मिल जाएगा, इसको सिलेक्टेड रखना है आपको। और ये जो W है इसे इसका चौड़ाई यहाँ से लेते हैं और ये जो हाइट है ये आपका यहाँ से हाइट लेते हैं। तो चौड़ाई जो इसका मैंने जो ले रखा है, जो डिज़ाइन बनाया था इसका मैंने ले रखा था आपका 4 इंच का ले रखा था, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 4 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर टाइप करके जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 इंच का ये साइज़ हो गया मेरा। और यहाँ पे जो हाइट है, मतलब ये जो लंबाई है, इसका 4.5 ले रखा था मैंने, तो 4.5 इंच का, तो यहाँ पॉइंट दिया और 5 लिखेंगे, 4.5 के लिए 4.5 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया मेरा, देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन हो गया इसको। उसके बाद एरो की से आप इसको पेज को लेफ़्ट राइट के अंदर इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये हो गया। तो ये साइज़ हम लोगों ने ले लिया। अब सवाल उठता है ये जो साइज़ हम लोगों ने ले रखा है इसको, ताकि ये मूवमेंट मूव ना करे, हिले नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसको क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए लॉक पोजिशन है या Ctrl+L भी दिया हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे। अब लॉक पोजीशन से फ़ायदा क्या होगा, जब जिस साइज़ का आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है काम करते करते डिज़ाइन मूव कर जाएगा, ये साइज़ इधर से उधर हो जाएगा, तो बेस्ट यही है, आप बाद में भी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर सही ढंग से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये हो गया,
अब देखिए एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, देखिए ये लाइन दिया ड्रॉ किया था ताकि यहाँ से वो कटेगा, जब भी हम लोग इसको टेयर यानी यहाँ से फाड़ के हम लोग देंगे जो भी चालान वगैरह है, तो यहाँ से फटने के लिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन कैसे बनाते हैं ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से और ड्रैग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स है इसका भी साइज़ नहीं लिया है, तो इस जो आपका चालान है इसी के हिसाब से आपको इस चौड़ाई भी लेना होगा, तो इसका हम लोगों ने 4 ले रखा था, तो इस बॉक्स का भी 4 लेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे जो चौड़ाई का जो बॉक्स है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। करने के बाद इसको थोड़ा सा एरो की से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, एरो की से आप एरो इसको एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। अब इसका जो यहाँ से जो हाइट है, जैसे यहाँ से लेकर जो हाइट हम लोगों ने रखा है उसको 1.25 इंच का रखा है, 0.25 का, तो इसका हाइट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है जो एच लिखा है इस बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे 0 उसके पॉइंट के लिए फुल स्टॉप 25, 1.25 इंच का रखेंगे हम लोग, तो 0.25 और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया, अब इसको ठीक ऊपर यहाँ पे ले जाना है आपको, तो एरो की से आप इसको ले जाइए ऐसे करके, या एरो की से भी ले जा सकते हैं, कीबोर्ड में देखिएगा एरो की है, ठीक इसको ला के यहाँ पे ऐसे करके रख दीजिए, यहाँ पे फिट हो गया। अब क्या कीजिए, ये जो आपका ये जो आपका पिक टूल है, जैसे मूव टूल, पिक टूल, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग नाम है ये एरो की का इस तरह का, तो इसको हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो रूलर है ऊपर यहाँ पे जो आपका हॉरिजेंटल रूलर है वहाँ माउस पॉइंटर रखिए और ड्रैग करके ठीक ये जो दूसरा वाला जो बॉक्स हम लोगों ने बनाया है ठीक उस लाइन पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वो आपका वो बॉक्स के ऊपर ठीक यहाँ पर लाइन आ गया, देख सकते हैं। अब एलिमेंट में जाइए, इसे क्या कीजिए, यहाँ व्यू में जाइए और यहाँ पे आके यहाँ पे लॉक गाइड कर दीजिए। अब ये गाइडलाइन लॉक हो गया। अब ये जो बॉक्स पे है इसको क्लिक बाहर क्लिक करके इसको यहाँ मूव कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 0.5 का यहाँ पे ये आपका एक लाइन यहाँ पे आ गया है यहाँ से। अब आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और ये जो टूल है स्ट्रेट लाइन टूल, इस पर क्लिक करना है और ठीक यहाँ पर इस कॉर्नर पोर्शन पर रखिए और इस तरह की लाइन एक इस एंड तक आप पूरा का पूरा बॉक्स तक लाइन बना दीजिए। इसको क्या कीजिए, एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक है स्ट्रोक में जाइए और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग स्ट्रोक का ये दिया है, तो 1 पॉइंट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, लाइन आपका वहाँ उस तरह डॉटेड डॉटेड लाइन बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है गाइडलाइन इस पर क्लिक कीजिए, नहीं अभी सिलेक्ट नहीं होगा, इसको मूव नहीं कर पाइएगा। अब व्यू में जाइए, यहाँ पर देखिए लॉक गाइड है, लॉक गाइड्स पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ लॉक हो जाएगा। ये गाइड को अगर मूव कीजिएगा तो आपको ये लाइन ऊपर वाला दिखाई देगा। अब इस लाइन पे क्लिक कीजिएगा, इसको हटाने के लिए व्यू में जाके यहाँ पे देखिए नीचे क्लियर रूलर गाइड है, ये गाइडलाइन चला जाएगा। ये जो गाइडलाइन लेते हैं और इसके साथ हम लोग प्रिंट भी करेंगे तो ये गाइड प्रिंट नहीं होता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसको हटाने के लिए व्यू में जाके इसको क्लियर रूलर गाइड कर दीजिए, हट जाएगा। अब ये जो लाइन है आपका जिस डॉटेड डॉटेड लाइन है जिस जगह से हम लोग चालान वगैरह देते हैं जब, तो उसको फाड़ के यहाँ से देते हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। अब एलिमेंट में जाके इसको लॉक कर दीजिए। अब ये क्या है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया, देखिए ये मूव नहीं करेगा, ये तो फिक्स है ही ऑलरेडी, मूव नहीं करेगा, हो गया यहाँ तक का काम हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिज़ाइन को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर चालान, उसके बाद डेट लिखा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ठीक यहाँ से इस बॉक्स के यहाँ से लेके इस तरह का बॉक्स हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके इस तरह का बॉक्स बना देंगे। अब नई प्रॉब्लम हो रहा तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब लिखना क्या है, नंबर, तो शिफ्ट दबा के यहाँ पर एंड वो नंबर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन का साइन देंगे, ये हो गया। फिर टैब दबाते हैं, थोड़ा सा बीच में आते हैं, ज़्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे चालान लिखना है CHALLAN, चालान लिख दिया। फिर टैब दबाएंगे, यहाँ पे हम लोग डेट लिखना है DATE, डेट लिख दिया, ये शिफ्ट दबा के कॉलन या हाइफन दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप डॉट डॉट देना है दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पर दिया होगा तो दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, तो डेट के पास आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे डॉट फुल स्टॉप प्रेस कीजिएगा, इस तरह डॉट लाइन आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ अगर यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से नीचे थोड़ा सा ला देते हैं, ये ठीक है, हो गया। अब चालान को लगता है थोड़ा बड़ा करना होगा तो बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसके आगे स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, ये देखिए बीचों बीच आ जाएगा आपका। डेट का बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप इसको, लेकिन क्या इसका थोड़ा लंबा हो गया, तो इसको हम लोग डिलीट बैक स्पेस प्रेस करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये देखिए ठीक सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे देखिए राज ब्रिक्स लिखा है, प्रॉप राइटर का नाम लिखा है, विलेज लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें लिखा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है और ठीक इससे थोड़ा सा जो लिखा है आपने इसके ठीक थोड़ा सा नीचे में
थोड़ा सा नीचे जाइएगा और इस तरह का एक टेक्स्ट ब्लॉक आप बना लीजिए। यहाँ पूरा का पूरा इस तरह का लंबा चौड़ा एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया हम लोगों ने। अब पूरा का पूरा जैसे राज ब्रिक्स है, प्रॉपर राइट है, पूरा एक ही लाइन में हम लिखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे इसके लिए, अब यहाँ पर कैप्स लॉक को आप ऑन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जैसे राज ब्रिक्स BRICKS ब्रिक्स लिख लिया, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने इंटर प्रेस किया, उसके बाद जो प्रॉपर राइटर का नाम है, जो भी नाम रहे प्रॉपर राइटर का, कॉलन ये नाम दे देते हैं हम लोग S. कुमार, ये दिया एस कुमार दे दिया, उसके बाद इंटर दिया। फिर विलेज लिखना है तो VILL दिया, कॉलन हाइफन, उसके बाद रायपुर जो भी नाम है, नाम मैंने चेंज कर दिया है, उसके बाद कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस देते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट है P.O देते हैं, कैप्स कैपिटल में दिया, उसके बाद ये कॉलन ये हाइफन, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है आपको पूरा लिख देना होगा। ये हो गया, फिर इंटर देते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे हम लोग, DIST लिखा, ये कॉलन हाइफन दे दिया, डिस्ट्रिक्ट जो है BURDWAN बर्दवान दे दिया, फिर कॉमा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट देना है DI, डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद पिन नंबर जो है पिन नंबर दे दीजिए, पिन नंबर पूरा एड्रेस दे दीजिए, दे दिया। फिर आप कॉमा दीजिए, फिर मोबाइल नंबर है MOB मोबाइल नंबर है, फिर यहाँ पे कॉलन हाइफन दिया, फिर जो नंबर है उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पहले लिख लेते हैं फिर इसको सजाते हैं कैसे, एक बार मैं आपको एक ही बार में दिखा दूंगा। 9 ये नंबर दे दिया, नंबर ये हो गया। अब देखिए इस तरह लिखा हुआ, लेकिन ये चीज़ इस तरह लिखा हुआ नहीं है जिस तरह ये सजा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा जिससे आप टेक्स्ट टूल से आपने लिखा है तो टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कंट्रोल पैलेट है ध्यान से देखिएगा, पहले आप टाइप कर लिया पूरी अच्छी तरह से इसको, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल पैलेट में जाना है आपको। यहाँ पे देखिए दो आपको बटन दिया हुआ है, एक टी है एक क्यू नुमा इस तरह दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए, चेंज हो गया। यहाँ पे नो स्टाइल आएगा, ठीक है, बीच वाला पे क्लिक करेंगे, ये मिडिल में आपका एडजस्ट हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ये देखिए मिडिल में मेरा अलाइन हो गया, देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे था, सिलेक्ट किया ये जो टेक्स्ट, ये आपका फॉन्ट के लिए नीचे वाला पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा, ये सेंटर में कर दीजिएगा, ये हो गया मेरा, देख सकते हैं ये बन गया। लेकिन ये देखिए बोल्ड है, ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो सबको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बोल्ड कर देना है, तो बोल्ड के लिए ये वाला टी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बोल्ड है, देखिए यहाँ पे बोल्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड है, हो गया बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो देखिए जैसे नाम है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नाम, तो राज ब्रिक्स के बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं, अच्छा लगेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे 12 है, इसको हम लोग 18 कर देते हैं, 18 ये ठीक है, देखिए 18 में ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, ये है इसको 12 ही रहने दे, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक इसको उठाना है इस तरह, थोड़ा सा इसको ऊपर इस तरह ले जाके रख देना है, ये देखिए यहाँ पे लाके रख देना है, ये हो गया। अब जैसे नेम एड्रेस ये दिया हुआ, सेम आपको उसी तरह क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, और एक टेक्स्ट ब्लॉक ठीक इसके थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से लाइन के थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा बाहर से यहाँ से रखिएगा। अब यहाँ से आप इस तरह का सिलेक्ट कीजिएगा, अब यहाँ पे लिखना है नेम, NAME नेम दिया, उसके बाद लाइन के लिए डॉट डॉट मतलब फुल स्टॉप दबा के रखिएगा, ये देखिए लाइन इस तरह आपका बन जाएगा, हो गया। फिर इंटर, फिर एड्रेस देना ADDRESS, फिर आपको ये आपका डॉट डॉट जो दे है फुल स्टॉप ये दबा के रखना है, ये आपका हो गया। देखिए नेम एड्रेस ये बन गया, इसको आप उठाइए यहाँ से, मैं आपको सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि सिंपली आपको करना है कैसे। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक देखिए सब हो गया। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे इस डिज़ाइन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया ट्रक नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ, देखिए सबका एक एक बॉक्स बना हुआ है, प्लस एक कॉलन बना हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए, और एक सबसे पहले ट्रक नंबर एक ही साथ लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है ही अलग अलग लिखें तो आप सजाने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ बना लिया, और यहाँ पे मैं TRUCK ट्रक, उसके बाद यहाँ पे नंबर के लिए फुल स्टॉप, यहाँ पे N और O दिया, और ये फुल स्टॉप। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट में, ध्यान से देखिए सेंटर है दोनों, ट्रक और नंबर, तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से,
और ठीक है कंट्रोल पैलेट में जाइए और टी है ठीक नीचे वाला पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेंटर हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, ये मेरा बन गया देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको पुट कर देना है, ये हो गया। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो टेक्स्ट टूल में क्लिक कीजिए, यहाँ से आप एक डिस्क्रिप्शन यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ पे DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन हो गया, हो गया भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी यहीं पे लिख देते हैं, ये देखिए, चाहे कहीं पे भी लिख के आप बाद में भी ले जा सकते हैं, ये देखिए QTY और ये फुल स्टॉप, क्वांटिटी हो गया यहाँ पे। अब इसको क्लिक करके ठीक यहाँ पे हम लोग इसको ला के यहाँ पे रख देंगे, इसको सजाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वांटिटी के बाद रेट होता है, फिर अमाउंट, तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी इस तरह सेलेक्ट कीजिए, रेट RAT रेट लिखा, हो गया। अब इसको अमाउंट यहाँ भी लिख लीजिए, AMOUNT अमाउंट लिख लिया, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही याद रखिए, एक ही सबका साइज एक ही होना चाहिए, मतलब ये जो फॉन्ट है सबका साइज एक ही होना चाहिए। और ये रेट पे हम लोग यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये अमाउंट को यहाँ पे हम लोग लगा दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगा दिया। अब सवाल उठता है, देखिए ऊपर एक लाइन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो है स्ट्रेट लाइन टूल, इस पर क्लिक कीजिए और एक लाइन यहाँ से, ये वाला बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ठीक इस कॉर्नर तक पुट कर दिया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पिक टूल पे क्लिक करना है और ये जो लाइन है ऊपर वाला, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा, एडिट में जाइए, यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। अब सिंपली इसको ला के यहाँ पर नीचे वाला पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया। अब सवाल उठता है कि इसको देखिए, जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, ट्रक क्वांटिटी लिखा है, लेकिन ऊपर नीचे है, देखिए ध्यान से ऊपर नीचे है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप देख सकें, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तब समझ में आएगा, ये लाइन है, लाइन को ठीक करने बताऊँगा मैं आपको, ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कैसे करेंगे, ये हो गया। अब देखिए ट्रक नंबर डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो बेस्ट यही है, ऊपर जो रूलर है आपको, रूलर ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाइए, माउस पॉइंटर रखिए, ड्रैग करके यहाँ पर ठीक एक रूलर इस तरह ड्रैग कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, जैसे ट्री जहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका थोड़ा सा कंट्रोल पैड को यहाँ से इसको ऐसे करके थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे डी में इसको सजा, इसको सटा देना है, यहाँ पे एरो की से आप ले जाइएगा। क्वांटिटी है, क्वांटिटी को भी क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इसका ये वाला जो टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, इसको भी एरो की से यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए एक लाइन में सब आएगा। देखिए फिर रेट में जाइए, रेट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इसको एरो की, देखिएगा एरो की है, अप एरो की, डाउन एरो की, तीन नुमा निशान दिया होगा, ये देखिए लगा दिया हम लोगों ने। फिर थोड़ा सा हैंड टूल से इधर आते हैं, ये अमाउंट में जो मैटर है अमाउंट वाला है, तो पिक टूल में क्लिक कीजिएगा, अमाउंट वाला पे जाइए और इसको भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एरो की से इसको लगा देना है, ये अमाउंट हो गया हमारा, ये हो गया अमाउंट, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, रेट यहाँ पर ठीक है, क्वान्टिटी यहाँ पर ठीक है, हो गया, देख लीजिए सब सही है, ऊपर एरो, इसको एरो की से ऊपर में ले जाइए, हाँ हो गया, इसको भी क्लिक कीजिए एरो की से, इसको ठीक इस गाइडलाइन पे लगा दीजिए, बन गया हमारा काम, हो गया। अब देखिए लाइन को देखिए, तो लाइन को यहाँ पे, ये जो लाइन को, इसको ठीक इस लाइन पे ला दीजिए, इस लाइन को भी इस लाइन पे ला दीजिए, ये ठीक हो गया, लाइन पर बैठ गया, हो गया हमारा काम। इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक्चुअल साइज पर आ जाते हैं, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब इस तरह देखिए ट्रक नंबर पे लाइन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो लाइन टूल है, स्ट्रेट लाइन टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्रेट लाइन टूल पे, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ से हम लोग इस जगह से हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे, देखिए यहाँ पे रखिए आप, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए लाइन टूल पे क्लिक किया हमने, अब ठीक यहाँ पे यहाँ से आपको एक लाइन इस तरह आपको ड्रॉ कर देना है, देखिए यहाँ तक इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना है, देखिए इस तरह लाइन हमें ड्रॉ कर देना है। अब एक बार राइट क्लिक करके थोड़ा सा एक्चुअल साइज हम लोग कर देते हैं जिससे आप देख सके समझ पाएँ। अब देखिए लाइन जो ड्रॉ किया है, अब एक कितना जगह चाहिए, देखिए ध्यान से, ये देखिए जैसे यहाँ पर रिसीवर सिग्नेचर है फॉर ब्रिक्स, तो आप एक अनुमान के हिसाब से यहाँ पर ये लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, तो उससे बेस्ट है पहले पिक टूल पर क्लिक कीजिए और ये जो लाइन है इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट में जाइए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कीजिए, एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, आ गया लाइन, इस लाइन को यहाँ पे लाके रख दीजिए, यहाँ तक काफ़ी है, इस लाइन पे क्लिक करके यहाँ तक इसको मिला दीजिए, ये हो गया, ये लाइन यहाँ तक देख लिया आपने। अब इसे एडिट में जाएंगे हम लोग, यहाँ से कॉपी फिर से पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो गया। अब एक लाइन यहाँ से लेके हम लोग ठीक यहाँ पर इसको लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पर लगा दिए, इसको एडजस्ट कर लेंगे एरो की से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये हो गया। फिर ये सिलेक्टेड रखिए, एक बार कॉपी करने के बाद जितना चाहें पेस्ट कर सकते हैं, तो अगर नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए पिक टूल से,
एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, फिर यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट आ गया। अब इस लाइन को ठीक यहाँ पे आपको लाके ठीक इस लाइन से आपको मिला देना है। ये देखिए ऊपर वाला पहले देखिए, हो गया। फिर एडिट में जाके फिर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। फिर इसको लगा दीजिए, यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने लगा दिया। अब सवाल उठता है, थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन हम लोग देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो जूम टूल पे क्लिक कीजिएगा और ऐसे जूम टूल से सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम देखिए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है। तो पिक टूल पे क्लिक कीजिए, बॉक्स लेके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन से मिला दीजिए, हो गया। फिर हैंड टूल पे जाइए, इसको थोड़ा सा पिक टूल पे क्लिक कीजिए। ये क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा, जब प्रिंट आउट कीजिएगा तो आपकी गलतियाँ पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती हुआ है। अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी डिज़ाइन बनाए, चाहे छोटा रहे, चाहे कम दाम का रहे या ज़्यादा पैसा का रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपना काम कभी भी ख़राब मत कीजिए। बहुत कोई होता है कि डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो यार कम पैसा दिया था या कम ये है तो उसको अच्छी तरह से बना के जैसे तैसे करके दे दिया। ऐसा नहीं, आप कोशिश कीजिए कि फिनिशिंग काम सुंदर से हो, जिससे आपका डिज़ाइन, ये देखिए ये क्लिक कीजिए, ऐसे करके आप इसको सही कर लीजिए। हो गया, यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। ये देख लीजिए, अब नीचे क्या करना है, यहाँ पे रिसीवर सिग्नेचर लिखना है, सिंपल है। तो यहाँ टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे में इस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RECEIVER, रिसीवर सिग्नेचर SIGNATURE, सिग्नेचर लिख दिया। ये देखिए इस तरह आ गया। कोई बात नहीं, पिक टूल पे क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा ड्रैग कर दीजिए। देखिए ऐसा हो गया, देख लीजिए। ये देखिए ये साइज थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट टूल में क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, साइज 12 है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर 10 कर देते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर रिसीवर सिग्नेचर हो गया, हो गया। अब राइट हैंड साइड आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, फॉर राज ब्रिक्स। टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे उसके लिए होगा फॉर, जो भी इनिशियली जो भी आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे राज ब्रिक्स फिक्स कर दिया, ये नीचे आ गया। कोई बात नहीं, इस पर क्लिक कीजिए, इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, हो गया। अब साइज बहुत बड़ा है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे, 12 है, इसको भी 9 कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिग्नेचर भी लिखना है एक, तो एक और टेक्स्ट ब्लॉक इसे बनाते हैं, कहीं भी लिख के रख सकते हैं, SIGNATURE सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे कर दिया। इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका साइज हम लोग थोड़ा छोटा रखते हैं। हाँ ये ठीक है, स्पेस ठीक है, यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे लगा देते हैं, ये यहाँ पे इस कॉर्नर में लगाते हैं, इसको थोड़ा सा इस कॉर्नर में पुट कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस भी तो चाहिए। हाँ ये ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा काम करते हुए अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया, एडिट में जाइए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए ऐसे खुल गया। तो एडिट में जाइएगा, यहाँ पे एडिट लेआउट पे क्लिक कीजिएगा, वापस ऐसा हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करते हैं, इसको फिट इन विंडो करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। एक बार देख लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारा, जैसे ये वाला डिज़ाइन देखिए, फॉर राजब्रिक सिग्नेचर हो गया, यहाँ देखिए सिग्नेचर फॉर राजब्रिक्स, ट्रक डिस्क्रिप्शन, क्वान्टिटी, रेट, सब कुछ सही है, यहाँ पर एड्रेस सब कुछ सही है। पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनली उसका आउटपुट निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें जो कलर है, इसका जो आउटलाइन है, थोड़ा सा देखिए थिक है, थोड़ा सा मोटा आउटलाइन है, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर। हमारा जब डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। तो इसको थिक करने के लिए एलिमेंट में जाएंगे, स्ट्रोक है यहाँ पे, स्ट्रोक में जाके इसको 2 पॉइंट करेंगे, देखिए 2 पॉइंट हो गया, ये हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, ये जो लाइन है ये ठीक है, लॉक किया हुआ ठीक है। अब इसमें कलर हम लोग फिल करेंगे, तो कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कलर का पैलेट में जाएंगे, जो कलर अच्छा लगे आप इसको, इसको ब्लैक करना था, ब्लैक ही रहने दें। फिल के लिए ये वाला है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पहले इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कलर पैलेट में बीच वाला ये जो है, इस पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ से कलर आपको ले लेना है। ये देखिए कलर हो गया, जैसे ये वाला कलर था सेम टू सेम कलर हो गया। अब इसको ये जो क्लिक करेंगे, इसको हम लोग क्या करें, लॉक दिखा रहा है, इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए अनलॉक हो गया। अब इसको क्या करना है, सबको ये जो गाइडलाइन है इसको हटाना है, व्यू में जाइए,
यहाँ पे देखिए क्लियर रूलर गाइड, ये बन गया पूरा सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको देखना होगा, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जूम कीजिएगा, इस जूम टूल पे क्लिक करके आपको देखना होगा। जूम टूल पे क्लिक कीजिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको हल्का सा इस लाइन पर ला के बैठा दिया। सब कुछ ठीक है, सब कुछ इस ओके, सब कुछ ठीक है। ये ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है। अगर लगता है कि नहीं थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम है, या कहीं पे लगता है जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो बैक स्पेस दबाइएगा, ठीक हो जाएगा। मोबाइल में थोड़ा स्पेस कम है, इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको लगता है स्पेस कम है, इसको बढ़ा दे सकते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। देख लीजिए आप हैंड टूल पर क्लिक करके, सबको एक एक करके आप इसको चेक कर लीजिए, हो गया सब कुछ। अब इसको राइट क्लिक कीजिए, इसको फिट इन विंडो कर दिया, बन गया। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कीजिए और ऐसे पिक टूल से ठीक इसको पूरा बाहर से ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया। एलिमेंट में जाइए, यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कंटेंट लॉक ऑब्जेक्ट, इसको अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक। अब ग्रुप हो गया ये, अब इसको जहाँ चाहें आप इसको मूव कीजिए। ये देखिए मैं मूव कर दिया इसको, फिर से एक्चुअल साइज करके हम लोग इसको देख सकते हैं। ये देखिए तो पूरा का पूरा चलान, ये ब्रिक्स का, ये ईंटे का, ईंट भट्टे का एक ब्रिक्स का, ये देखिए चलान तैयार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया कि कैसे कोई भी डिज़ाइन कर सकता, काम कर सकता, और बेसिकली पेज मेकर में जो काम होता है इस तरह का डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं आप। फ़ोटो रिलेटेड काम ना ही करें पेज मेकर में तो बेहतर है, क्योंकि फटता है फ़ोटो, फ़ोटो का ये सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन टेक्स्ट रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह आपको कर सकते हैं इसमें, ईजिली आप कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।